में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश भर में हो रहे NRC और CAB के विरोध की आग अब जनपद संबल में भी पहुंच गई, जहां पर ज्ञापन देकर लौट रहे लोगों पर किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद भड़की भीड़ ने रोडवेज की बस में आग लगा दी। पुलिस की गाड़ी का शीशा भी पथराव में तोड़ दिया, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए, जब पुलिस ने कार्यवाही करनी चाहिए तो भीड़ तितर बितर हुई। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही मुरादाबाद के IG रमित शर्मा सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। इस दौरान IG मुरादाबाद के साथ संबल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल, सभी क्षेत्र अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। नागरिकता संशोधन बिल और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला गया। वहीं मौजूद पुलिस प्रशासन के सामने ही कुछ मामला इतना गर्मा गया कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की 3 बसों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया गया। मामला बढ़ता देख आसपास के थाने की पुलिस बुलवा ली गई। वहीं भीड़ पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।